दोस्तों, अगर आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जैसे ही शाम हो आपकी जो भी घर की लाइट है या स्ट्रीट लाइट है वो अपने आप स्टार्ट हो जाए और जैसे ही सुबह हो वो लाइट अपने आप ऑफ हो जाए, तो ऐसा आप इस सेंसर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये सेंसर आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसकी कीमत भी बहुत ही कम है, तो आप इसके द्वारा ऐसा कर सकते हैं। इसकी रेटिंग 10 एम्पियर है। अगर आप इससे ज़्यादा भी करंट को चलाना चाहते हैं, जैसे 50 एम्पियर के लोड को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो कनेक्शन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसकी 10 एम्पियर रेटिंग है लेकिन हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी स्ट्रीट लाइट हैं तो हम ज़्यादा लोड इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, तो कैसे कनेक्शन करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर तीन वायर आ रहे हैं, ये केबल है, तो इसमें आपको सेंसर को कनेक्ट करना है। तो देखिए, जो सेंसर है उसका जो रेड वायर है वो इसका आउटपुट है, तो हम आउटपुट वायर को कनेक्ट कर रहे हैं ग्रीन वायर से। ये केबल आ रही है, इसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई आएगी और एक वायर है वो आउटपुट का कनेक्शन रहेगा जो हमारा सेंसर है, तो हमने ग्रीन वायर है उसको सेंसर का आउटपुट में यूज़ करेंगे। और जो सेंसर का वाइट वाला वायर है वो न्यूट्रल रहेगा, तो हमने उसके ब्लैक से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर न्यूट्रल आएगा। और जो सेंसर है उसका जो ब्लैक वायर है वो इसका फेस है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से इसके कनेक्शन को कर देना है। तो हम यहाँ पर फेस देंगे ब्लैक वायर में सेंसर के, तो हमने इस प्रकार से इसके कनेक्शन को कर दिया है। लास्ट में मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बना के दूंगा कि आपको इससे ज़्यादा करंट को कैसे कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कैसे कनेक्शन करना है उसका बिल्कुल सर्किट डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल बना के देंगे, जिससे आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस छोर पर इसके कनेक्शन को कर दिया है। अब हम दूसरे छोर पर देखेंगे कि हमें इसका कनेक्शन को कैसे करना है, जिससे हम 50 एम्पियर तक का भी लोड आसानी से कैसे चला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है और इस कॉन्टैक्टर की सहायता से हम कितने भी एम्पियर का करंट इससे चला सकते हैं, तो कनेक्शन कैसे करना है वो हम जानेंगे। तो देखिए, ये जो केबल है वो छोड़ है जो हमने उस साइड कनेक्ट कर दिया है सेंसर से, वो वायर यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये हमें फेस वायर देना था रेड में, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है फेस को, और यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आ रही है, तो जो ब्लैक वायर है उसको हमें न्यूट्रल सप्लाई में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो ये एनालॉग सेंसर से काम करता था ये कॉन्टैक्टर, लेकिन हमने यहाँ पर सेंसर को चेंज किया है और हम अब फोटो सेल सेंसर से इसको चलाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया, तो जो हमारा सेंसर हमने कनेक्ट किया है उसको फेस सप्लाई पहुँच गई और यहाँ पर न्यूट्रल पहुँच गया, तो वहाँ उसको सप्लाई मिल गई। अब उसके आउटपुट जो वायर था, जो सेंसर का रेड वायर था, उसमें हमने ग्रीन वायर को कनेक्ट किया था, तो ग्रीन वायर में सेंसर से आउटपुट सप्लाई आएगी, तो आउटपुट सप्लाई को हमें कनेक्ट करना है जो आपका कॉन्टैक्टर है उसकी जो कॉइल रहेगी, A1 A2 कॉइल रहती है, उस कॉइल में एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है, चाहे आप A1 में कर सकते हैं चाहे A2 में कर सकते हैं। तो इस सेंसर से हमें सिर्फ कॉन्टैक्टर की कॉइल को पिकअप कराना है, तो ये बहुत ही कम लोड रहता है इसका। तो देखिए, यहाँ पर जो तीनों फेस आ रहे हैं, यहाँ पर R/B जो कॉन्टैक्टर के तीनों टर्मिनल हैं, यहाँ पर तीनों फेस आ रहे हैं और यहाँ से वो तीनों फेस हैं वो आउटपुट निकलेंगे। यहाँ पर MC भी लगी हुई है और ये जो तीनों वायर हैं इससे जो हमारा लोड है, जो भी स्ट्रीट लाइट है, वो तीनों फेस पर कनेक्ट है, हमने तीनों फेस को यहाँ पर कनेक्ट करके रखा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो फेस आ रहा था तो यहाँ पर रेड वायर को कनेक्ट कर दिया फेस से, तो यहाँ जो सेंसर है उसको फेस मिल गया, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा सेंसर को, यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई है, और ये जो ग्रीन वायर है यहाँ से आउटपुट निकलेगी, तो आउटपुट को हमने कॉन्टैक्टर के A1 में कनेक्ट किया और A2 में हमने कॉन्टैक्टर का जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट कर दिया है। तो इससे हमारा जैसे ही जो सेंसर है वो वर्क करेगा तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो तीनों फेस से जो सप्लाई है वो आउटपुट में निकल जाएगी। तो देखिए, अभी देखेंगे यहाँ पर फेस आ रहा है, आप देख सकते हैं, आपको लाइट नज़र आ रही होगी इस टेस्टर में, तो यहाँ पर फेस आ रहा है, तो सेंसर को फेस यहाँ से पहुँच गया है, यहाँ पर तीनों फेस आ रहे हैं हमारे, और यहाँ पर अब जब आप ग्रीन वायर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी, देखिए आपका जो टेस्टर है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है। तो अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि कैसे सेंसर काम करता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है तब सेंसर पिकअप होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक कवर आता है इसकी, पॉलीथिन आती है, उसमें हम इसको कवर कर देते हैं, तो जो सेंसर है उसको लाइट नहीं मिलेगी, तो उसके द्वारा सेंसर है वो पिकअप हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सेंसर है वो पिकअप हो गया जैसे हमने उसको बंद किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं उसके आउटपुट में जो फेस है वो आ गया है। तो यहाँ पर जैसे ही फेस आएगा तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा और वो आउटपुट में सप्लाई को निकाल देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर आउटपुट में भी इसके सप्लाई निकलने लगी है। तो इससे जो भी हमारी स्ट्रीट लाइट है वो सारी ऑन हो जाएगी तीनों फेस पर जो भी कनेक्ट है, और जैसे ही हम उसको निकालेंगे तो वहाँ से ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने उस कवर से इस सेंसर को निकाल दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट सप्लाई है वो भी चली गई है। तो उस टाइम पर जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वो ऑफ हो जाएगी। तो इसका कनेक्शन ऐसे ही करना है, जैसे शाम होगी अपने आप जो कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाएगा तो आपकी जो सारी लाइट है वो स्टार्ट हो जाएगी और इससे आपका कितना भी लोड होगा स्ट्रीट लाइट का वो चालू हो जाएगा। तो ये है कनेक्शन के लिए डायग्राम, आपको इस प्रकार इसके कनेक्शन को करना है। ये कनेक्शन बहुत ही ईजी है, अगर आप ऐसा कनेक्शन कर लेते हैं तो आपका कितना भी लोड हो स्ट्रीट लाइट का आपका जो सेंसर है उस पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक एम्पियर भी इस पर लोड नहीं होगा। तो आपको इसके ऐसे कनेक्शन करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।